वो एक VLW का हमने उस समय एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी, एक पेट्रोल पंप का काम चल रहा था, वहाँ पे हमें कुछ वायलेशंस लगी तो हमने रिकॉर्ड कॉल कर दिया, तो उन्होंने कुछ पंचायत ने उसका फी ले लिया है, क्या बुनियाद बनाई है, क्या उन्होंने पंचायत राज एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की है, वो हमने देखा और ऐसा लगा कि VLW ने पंचायत राज एक्ट को वायलेट करके परमिशन दे दी है, तो उसके अगेंस्ट तो हमने उसको सस्पेंड किया और तहसीलदार कंगन को उसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। जो जिसके बारे में जो वायलेंट जिस चीज़ का चूँकि उस ये पेट्रोल पंप तब वजूद में आया है जब हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर हुआ करता था, और उस वक्त उसको परमिशन मिली है पेट्रोल पंप के लिए, वो उससे हमने मांगा वो कागज़ दे कि क्या परमिशन उसको मिली है, जो अब के बाद डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वजूद में आने के बाद अलग एक उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की, क्या उसको परमिशंस मिली है जो उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी। उसमें जो हुशमुश का मैं कहूँगा तो इसने पंचायत ने दिया है, सेक्रेटरी पंचायत ने दिया है, तो उसको हमने नोटिस, ये तहसीलदार ने नोटिस जारी की है कि वो अपने को डॉक्यूमेंट्स लाएँ, क्या उसके पास वो जेन्युइन कागज़ है जिससे वो साबित करे कि वो काम कर सकता है। तो तहसीलदार इंक्वायरी कर रहा है बोथ द केसेस कि उसका डिमोलिशन करना है, उसकी आगे की कार्रवाई क्या है, और VLW ने और पंचायत ने क्या किया, उन पर क्या एक्शन किया जाए। वही तो इंक्वायरी किस चीज़ की हो रही है, वही चीज़ है कि उसको कौन सी चीज़ की, जो उसने कागज़ हमारे पास लाए वो नामुकम्मल थे जो उसने दिए, उसने कहा कि कुछ वो सिंध, चूँकि श्रीनगर से वाबस्ता है, श्रीनगर का रहने वाला है, कुछ सैलाब में उसके बह चुके हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने जा रहा है तहसीलदार को, सभी डॉक्यूमेंट्स सभी कागज़ लाने के बाद ही हम ये बता सकेंगे कि उसको किस चीज़ की कार्रवाई, कब तक के लिए परमिशन, किस चीज़ के लिए, पेट्रोल पंप क्या था, वो जो रेजिडेंशियल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहा है या कुछ और बना, वो कागज़ों के बाद ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। हाँ, ये मुझे पता चला अचानक ACD साहब का, एक मैंने कागज़ देखा थ्रू ट्रेजरी ऑफिसर कंगन, उन्हें उनको भेजा था, उस VLW को रिइंस्टेट किया है, तो कैसे किया है, उन्हें लिखा कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, हमने कोई कमेटी का कोई ऑर्डर नहीं देखा या कोई रिपोर्ट फर्निश क्या किया, और उसमें वो है कि वो कुछ पंक्चुअल रहे और आगे मुहतत रहे, वो पंक्चुअल और नौकरी है, डेली अटेंडेंस का मसला था नहीं। इस सिलसिले में मैंने फॉरवर्डेड किया टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, मैंने डी सब से बात भी की है उनके साथ, तो डी सब उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं, और अनकरीब आपको पता चलेगा, जो डी सर डी सी ऑफिस से DC साहब की तरफ से जो हिदायत जारी हो जाएंगे वो आपको भी पता चलेगा कि क्या हुआ। जो हमें लगा है, हमें पिछली दफ़ा हमें रात के अंधेरे, रात के 1:30 बजे एक वायलेशन नाले सिंध पे हो रही थी, रात के 1:30 बजे हमें ये JCB ला के डिमोलिशन करनी पड़ी। इंक्वायरी चल रही थोड़ा सा इसी का, जो ACD साहब ने उनको रेंसेट किया उसमें थोड़ा सा तहसीलदार रुक गए होंगे कि एक अफसर ने अचानक उनको रेंसेट करके, अब तहसीलदार साहब भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि DC साहब से क्या ऑर्डर्स निकलते हैं, क्या फर्दर डायरेक्शंस निकलती है, सो दैट वो अपने तहकीक को आगे ले जाएँ।